अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी, जो कि हर घर में बहुत ही शौक से बनाया और खाया जाता है। इस पुलाव में मसालों की लजीज खुशबू, नरम और खिले खिले चावल और हरे भरे मटर का कॉम्बिनेशन मौजूद है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बनाए गए पुलाव की खुशबू दूर दूर तक जाए, तो फिर इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये पुलाव बनाएगा आपको किचन क्वीन और आपकी डाइनिंग टेबल का लेवल ही बढ़ा देगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। खुशबूदार वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप घी। आप इस रेसिपी को कुकिंग ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे गैस को ऑन करेंगे, घी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ खड़े गर्म मसालों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, जिसमें 4 से 5 अदद हैं लौंगे, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी की स्टिक है और 2 अदद बादियान के फूल हैं। इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। इसको आपने ओवर फ्राई नहीं करना, वरना ये मसाले जल जाएंगे। इसकी एक अच्छी सी खुशबू जब इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। प्याज को भी आप कुकिंग ऑयल में शामिल करने के बाद इसको फ्राई करेंगे, मगर यहाँ पे हमने प्याज को किसी भी तरह का कलर नहीं देना, क्योंकि हम वाइट मटर पुलाव बना रहे हैं ना। अगर आप प्याज को कोई कलर देंगे तो उससे कलर चेंज हो जाएगा पुलाव का, फिर पुलाव वाइट बनकर तैयार नहीं होगा। तो हल्का सा ही बस हम इसे सॉफ्ट करेंगे, सो किसी भी तरह का कलर नहीं देना। जब प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगी, तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। अदरक लहसुन को भी इसमें डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन हमें दूर करना है। अब यहाँ पर मेरे पास 250 ग्राम मटर हैं, बहुत अच्छे मटर इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं। इसको बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही मैंने एक बड़े साइज का आलू भी ले लिया है, क्योंकि आलू और मटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का हो जाता है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें फ्राई करेंगे, ताकि आलू पे हल्का गोल्डन कलर आ जाए और साथ मटर इसमें थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर इसमें मैं सिर्फ नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। किसी और तरह के मिर्च मसालों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून मैं चिकन पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाइनीज सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है, तो ऐड ज़रूर करिएगा आप। नमक डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसे फ्राई करना है, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं, और जब आप इन्हें चावलों के साथ मिलाएंगे तो ये हर बाइट को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएंगे। अब इसको एक रिच फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही पुलाव का सिर्फ टेस्ट ही इन्हेंस नहीं करता, बल्कि इससे आपको एक सिल्की टेक्स्चर भी मिलता है, जो कि हर बाइट को बहुत खास बनाता है। दही को अच्छी तरह से मिला देते हैं, ताकि मसालों और सब्जियों के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। थोड़ी देर के लिए अब मैं इसे पकाऊंगी, ताकि दही का फ्लेवर अच्छे से मसालों में घुल मिल सा जाए। तो ये स्टेप आपके पुलाव को एकदम खास बनाने वाला है। 7 से 8 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे, ताकि मटर और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। फ्लेम आपने लो रखना है। 8 मिनट के बाद देखिए मैंने कवर हटाया है। इसको गलाने के लिए देखिए मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया था, दही के अपने ही पानी में इसको मैंने गलाया है। अब 1 मीडियम साइज का टमाटर है, जिसको बारीक स्लाइस में कट करके मैंने ऐड किया है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड किया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें थीं जो तीखी वाली होती हैं, उसका पेस्ट बनाकर मैंने इसमें ऐड किया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने इसमें मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। हम वाइट मटर पुलाव बना रहे हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको 1-2 मिनट पका लेंगे। अब इसको खुशबूदार बनाने के लिए 1/2 टीस्पून मैंने जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड किया है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ का पाउडर ऐड किया है, यानी सौंफ को मैंने दरदरा सा पीस लिया था। इन दोनों चीज़ों से बिलीव मी, इसका फ्लेवर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। अब इसमें पानी डालने का टाइम है, क्योंकि अब मुझे इसमें चावलों को ऐड करना है। तो 2 कप चावल मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं 3 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 कप पानी 2 कप चावलों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे चावल नर्म और खिले खिले बनकर तैयार होंगे। तो अब पानी में बॉयल लेकर आना है, तो इसको 2 मिनट के लिए हम कवर करेंगे, जब तक कि पानी में बॉयल नहीं आ जाता। पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब यहाँ पर आपने एक काम करना है कि इसकी यखनी को आपने चेक कर लेना है कि इसमें कितने नमक की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर अब नमक को टेस्ट कर रही हूँ। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक का इजाफा कर रही हूँ,
नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। यखनी में नमक जो है वो थोड़ा तेज़ ही रखा जाता है। 2 कप चावल थे जिसको मैंने 20 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। चावल अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर चुके हैं, अच्छी तरह भीग कर तैयार हो चुके हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब देखें हमने जो इसमें पानी ऐड किया था वो कितना परफेक्ट है, ये मैं आपको लेवल चेक करा देती हूँ इसका। तो इतना ही पानी आपने ऐड करना है दोस्तों। अगर 2 कप आप चावल ले रहे हैं तो इसमें 3 कप पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छी खुशबू के लिए 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद देखें चावलों ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, बड़े बड़े से बबल्स आपको नजर आ रहे हैं, इसका जो पानी है वो बिल्कुल बेस में चला गया है। तो बस यही वो स्टेज होती है दोस्तों कि जब हम चावलों को दम लगाते हैं। तो बस अब कुछ भी नहीं करना आपने, 1 अदद कपड़ा मैंने लगा दिया है कवर के ऊपर और अब हम इसको दम लगाएंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है और 10 मिनट के लिए इसको आपने लो फ्लेम पे ही पकाना है। और फिर 10 मिनट बाद चूल्हे का फ्लेम आप बंद कर दिएगा और फिर 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या कमाल होता है। तो 20 मिनट के बाद अब मैं इसका कवर हटा रही हूँ। 10 मिनट बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और 10 मिनट के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा था। और आप देखें 20 मिनट के बाद हमारे पुलाव की ये कंडीशन है। तो यहाँ पर अब इन चावलों को मैं चला लेती हूँ। आपने बेस में से उठा के इसको ऊपर की तरफ लेकर आना है और आप देखें चावल कितने खिले खिले बने हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। हर बाइट में आपको मिलने वाला है वही मज़ा जो एक परफेक्ट पुलाव में मिल सकता है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। एक खूबसूरत सी डिश में हम बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार से अपने मटर पुलाव को सर्व कर लेते हैं। चावल का हर दाना आप लोग देख सकते हैं कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। इसको सर्व किया है मैंने कचुम्बर, रायते, टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ, जो कि इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देगी। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, इसको देखते ही दोस्तों आपका खाने का दिल चाहेगा। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसा पुलाव बनाया। अब यहाँ पर मैं पुलाव आपको निकाल कर चेक करा देती हूँ। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, चावल का हर दाना देखें दोस्तों कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। ये सिर्फ पुलाव ही नहीं है दोस्तों, बल्कि मेहनत का नतीजा है जो दिखने में भी लाजवाब है। तो जैसे ही ये खुशबूदार पुलाव आपके सामने आएगा तो बिलीव मी आपका हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।